हम दूर भागे तेरे बिना, गाए हमसे नाराज रहना, सजाए हम पाए चैना, सुन लेना ये जो मन मानी है मन, मिली जो ये जो याद मिल के अब बाटे तेरे नाम। तो गाइस अभी मैं एक इतनी प्यारी जगह में आ चुका हूँ, मैं जैसे मतलब श्रीनगर से आया तो मैं ऊपर ऊपर आ रहा हूँ, तो मुझे अच्छे से अच्छे व्यू देखने को मिल रहे हैं। तो एक प्यारी सी लोकेशन आपको मैंने फिर से दिखा दी, और पीछे का जो आपको दृश्य देखने को मिल रहा होगा काफ़ी बेहतरीन है। हमारे पहाड़ों की लोकेशन होती है ना, वो मतलब बहुत ज़्यादा बेहतरीन होती है, जितना हम इन लोकेशनों की बात करें उतना कम है, ठीक है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें दिखाता रहता हूँ। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि अभी मैं ब्लॉगिंग की बात कर लेता हूँ, तो ब्लॉगिंग मैंने किस प्रकार से स्टार्ट की और क्या आज मेरे को मतलब रिज़ल्ट मिल रहा है, तो रिज़ल्ट काफ़ी बेहतरीन मिल रहा है। कारण ये था, जब मैं किसी भी प्लेस में किसी भी इंसान के साथ बात करता था तो मेरे पास शब्द नहीं होते थे कि मुझे क्या बोलना है, कैसे उनके साथ इंटरेक्ट होना है और क्या मेरी बातें होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मेरे मतलब दिमाग में चलती रहती थी। पर धीरे धीरे मैंने प्रैक्टिस की और फाइनली मैं मार्केट के एरिया की बात करूं या फिर मैं हाईवे की बात करूं या फिर मैं लोगों के साथ कनेक्ट होने की बात करूं तो अच्छे से कनेक्ट होकर उनके साथ बात कर लेता हूं। अब बात करते हैं गाइस कि आप भी कभी ब्लॉगिंग करो तो किस प्रकार से आपको करना है। तो आप अपने घर से शुरुआत करो, ठीक है, जब आपको धीरे धीरे बोलना आ जाएगा तो आप लोगों के बीच में जाके बोल सकते हो। अपने पास एक स्क्रिप्ट रखना अपने दिमाग में, या तो आप लिख के रखो या अगर आपको दिमाग से बोलना आता है तो आप दिमाग में उसको रखो कि आपको क्या बोलना है, किस प्रकार से बोलना है, तो आप कहीं पर भी जाकर आराम से उस चीज़ को बोल सकते हो। बस एक टॉपिक ज़रूर रख लेना, तभी जाके आप उसे अच्छे से बोल सकते हो। तो अब यहाँ से निकलते हैं थोड़ा सा आगे, और बेहतरीन जगह जो भी चीज़ें होंगी आपको दिखाएंगे, मैं आपको गढ़वाल की चीज़ें ही दिखा सकता हूँ, मेरे पास यही है गाइस, इसके अलावा कुछ और भी नहीं है कि मैं आपको क्या चीज़ें दिखाऊँ, ठीक है। गढ़वाल में जो भी चीज़ें होंगी, मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होगी या फिर मैं अपनी टीचिंग लाइफ में क्या कर रहा हूँ, जो मेरा बीएड चल रहा है किस प्रकार से चल रहा है, यही चीज़ें मैं आपको ज़्यादा दिखा सकता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट लोकेशन में चलते हैं और फिर बात करते हैं। तो अभी मैं एक, ठीक है, सपला जो गांव है उसके ठीक नीचे पे हूँ मैं, और एक यहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल आपको देखने को मिलेगा। तो जितने भी गांव के मतलब बच्चे होते हैं जिन्हें मतलब इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है तो यहाँ पे आते हैं, तो ये आपको देखने को मिलेगा, बहुत प्यारा है। और जब मैं आगे निकल रहा था तो मुझे देखने को मिला, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा शॉर्ट्स लिए जाए। पहले की बात करूँ मैं तो ऐसी चीज़ें नहीं देखने को मिलती थी गांव में, पर आप देखो इंग्लिश मीडियम भी गांव में है, बहुत अच्छी बात है, जो भी गांव के बच्चे हैं आराम से इंग्लिश वगैरह सीख सकते हैं, कि गांव के जो बच्चे हैं इधर उधर से यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। सो हे गाइस, तो अभी मैं देवचौरी के मार्केट में पहुँच चुका हूँ। तो भाई देवचौरी का जो मार्केट है वो थोड़ा छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, यहाँ पर एक चक्की भी है जहाँ पे मतलब जो गांव के लोग होते हैं वो आटा वगैरह पीसने के लिए आते हैं। और ये देखिए, ये है आपका देवचौरी का मार्केट। तो यहीं पे मतलब जो गाड़ियाँ होती है वो लगती है, आपकी श्रीनगर वगैरह जा सकते हो। और है भैया, हाँ अच्छा, नहीं नहीं मैं पॉलिटिक्स करने नहीं आया हूँ, मैं ब्लॉगिंग करने आया हूँ, यानी कि प्लेस दिखाता हूँ। यहाँ पे भैया लोग हैं, नमस्ते भैया। हाँ मैं बाड़ा गाँव कुछ बाड़ा, हाँ यूट्यूब, यूट्यूब मेरे नीरज बिस्ट ब्लॉग है ना, उत्तराखंड का प्लेस दिखाता रहता हूँ। और ये हमारा एक छोटा सा मार्केट है देलचौरी, और यहाँ पे भैया लोग, अंकल जी लोग, अंकल जी हाई कर दो है ना, तो अंकल भैया जो भी है आप है ना, तो ये अंकल है, बाकी भैया जी है सब है ना। तो मतलब ये है कि अपना उत्तराखंड की चीज़ें मैं दिखाता रहता हूँ, और जो ये रोड है इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। तो पौड़ी की मैं बात कर लेता हूँ, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है ना, तो यहाँ पर एक फेमस मेला लगता है आपका कांडे का मेला, तो यहीं से मतलब रोड जाती है ये वाली रोड, और सीधा ऊपर आपको देखने को मिलेगा छोटा सा मेन गेट है, ठीक है। तो वहाँ पर मतलब जो कांडे का मेला लगता है काफ़ी बेहतरीन लगता है। तो अंकल जी लोगों से यहाँ पर विदाई ले लेते हैं, भैया लोग जो भी है, अच्छा लगा आप सबसे मिल के, ये लो। यह
लाइक कर दे मैं तुम्हें लाइक। थैंक यू सो मच, लाइक कर दिया, चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया, यहाँ पे 2-3 सब्सक्राइब मिल गया मुझे, और मतलब जुड़े रहेंगे मेरे साथ हमेशा, और जो भी प्लेस वगैरह होंगे गढ़वाल के वो चीज़ें मैं आपको दिखाता रहूँगा। तो ठीक है अंकल जी, मेरी तरफ से भी आपको बाय। ओके, अच्छा लगा आप सबसे मिलके। मेरा काम वही है कि यार लोगों के साथ बातें करना और उनके बारे में जानना, उनको बताना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब आपको दिखाता रहता हूँ ब्लॉग में। सो गाइज, तो फाइनली मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें दिखा दी, आगे ब्लॉग को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आप लोग यहाँ तक तो आ गए हो तो भाई फाइनली वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को क्लिक कर दो ताकि आने वाले जो वीडियो होंगे वो आपको मिलते रहे। वीडियो को ज़्यादा शेयर करना ताकि जो हमारे उत्तराखंड के बेस्ट प्लेस होते हैं ना वो सारे लोगों को पता चल सके, और आप सबका जो प्यार है वो ऐसे ही बना रहे। देखिए आपके प्यार से ही अभी तक जितने भी सब्सक्राइब हुए हैं, या फिर जितने भी लोगों से मैं मिलता हूँ, या फिर जिनसे भी मैं बातें करता हूँ, तो आप सबके प्यार के वजह से ही है ना। अगर आप मुझे पसंद नहीं करते तो शायद यहाँ तक भी मैं नहीं आ पाता, लोगों से बात नहीं कर पाता, मुझे एकदम हेजिटेशन होता, हॉपलेसिंग होती, शर्म आती। कैमरे को जब हम ऐसे पकड़ते हैं ना, अब ब्लॉगिंग करते हैं, तो पहले हमें ये देखना पड़ता है कि इधर उधर के लोग भी हमें मतलब देख रहे, बट फिर उसके बाद हमें फोकस बनाना पड़ता है कि यार हमें ना इधर वाले लोगों से, इधर वाले लोगों से वो नहीं करना है, कनेक्ट नहीं होना है, वो अपने चल रहे बातें कर रहे हैं, हमें देख के भी बोल रहे होंगे कई चीज़ें, बट हमें फोकस करना है कि हम इसके साथ बात कर रहे हैं, यानी कि हमारे फ्रेंड के साथ, जो हमारा मोबाइल है वो हमारा फ्रेंड है, जैसे मैंने आपको बता दिया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं है ना, कैसे कनेक्ट हुआ हूँ, बहुत दिक्कत होती है, आप करके देखना कि मोबाइल में कुछ बोल के देखना, आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना ज़्यादा ये स्टार्टिंग में टफ होता है। धीरे धीरे हमें क्या होता है, जब हम इसमें काम करने लग जाते हैं तो हमें आदत पड़ जाती है। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है बहुत सारी चीज़ें, तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गाइज, जय हिंद, जय उत्तराखंड, वंदे मातरम, बाय।